हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, मैं हूं आपके साथ अनम काजमी और मैं हूं सपाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ साथ जो तमाम सियासी सरगर्मियां हो रही है उनसे भी इंटरटेन जरूर हो रहे होंगे। कहीं पर जलसे किए जा रहे हैं, कहीं पर कुछ नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, कहीं पर आने वाले इंतखाबात की तैयारियां की जा रही हैं, सब कुछ जो है ओवरऑल आजकल हमारी सियासत में देखने को मिल रहा है, हर फ्लेवर जो है वो आपको नजर आएगा। लेकिन कल एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा तहलका सामने आया जनाब। पहले तो हम जानते थे कि पैनामा केसेस अभी तक चल रहे हैं और वो केसेस अभी तक निपटे नहीं थे। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हों चाहे उनके बच्चे हों, आज तक इन केसेस को निमट रहे हैं और बहुत सी दीगर सियासी जमातों के भी कुछ रहनुमा हैं जो इन केसेस से निमटने के लिए अपनी कानूनी जंग जो है वो लड़े हैं, जिसमें जहांगीर तरीन भी हैं, फिर इमरान खान साहब के ऊपर भी कुछ केसेस चल रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है ओवरऑल पिछले कुछ दिनों में रही, लेकिन कल की आने वाली एक बड़ी खबर ने एक तहलका मचा दिया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत से तो कुछ बड़े बड़े नाम सामने आए ही हैं पैराडाइज लीक्स के जो दस्तावेजात सामने आई हूँ उसके बाद, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ बहुत बड़े नाम जो कि बैरून ममालिक से भी सामने आए हैं, उनमें रेक्स लर्सन का नाम भी सामने आया, उनके वजारत तजारत का नाम भी सामने आया, फिर हमने देखा कि मलिकाए बरतानिया एलिजबेथ का नाम भी सामने आया और साथ ही साथ हमने देखा कि सुरों की सरकार मडोना हो चाहे बोनो हो, इनके भी नाम सामने आए। तो कल जो है वो इस खबर ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के जो दो बड़े नाम सामने आए हैं उन बड़े नामों के अंदर हम देख रहे थे कि हमारे मुशर्रफ दौर के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे शौकत अजीज साहब, उनका नाम भी सामने आया, जिनकी दो कंपनीज बताए जा रहे हैं ऑफशोर है। उसके अलावा साथ साथ हमने देखा कि अयाज खान नियाजी का नाम भी सामने आया है, जो कि साबिक चेयरमैन थे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के। तो ये दो बड़े नाम पाकिस्तान की जानिब से आए, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि कुछ ब्रिगेडियर्स हैं, कुछ ऑफिशल्स हैं जिनके नाम मजीद भी सामने आ सकते हैं। तो ओवरऑल आज के शो में हम इसी हवाले से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पैनामा के बाद नया हंगामा जो खुला है, ये नया जो पंडोरा बॉक्स खुला है, इसके बाद अब किस किस की पकड़ होगी, मजीद क्या कार्रवाई होगी। ऑलरेडी पैनामा केस हमने देखा कि एक साल की दाखिल के बाद अभी तक इसके केसेस कुछ पेंडिंग है, लेकिन अब जो कि ये आ चुका है और ये वाला पंडोरा बॉक्स खुला है, तो इसके बाद अब किस किस की पकड़ धकड़ होती है, कार्रवाइयाँ किस तरह से होती है, ये सब हम इसके बारे में आज के शो में चले जी। पैनामा लीक्स के बाद अब पैराडाइज लीक्स भी आ गई है, तो इस पर जो भी अमल दरामद होगा वो तो देखा जाएगा, उसके मुताबिक अब नैब भी और यहाँ जितने लोगों के नाम सामने आए हैं वो जवाब दे जरूर हैं। लेकिन अगर बात की जाए सियासी मैदान के हवाले से, तो सियासत के मैदान की अगर बात करें तो सियासत से जो खबरें हैं वो ये हैं कि जी आज भी कुछ केसेस हैं और आज चौधरी बरादरान जो है नैब कोर्ट में पेश हो रहे हैं और अहम पेशी है उनकी और उनके सामने वो जवाब देंगे कि आज उनके पास क्या प्रूफ है उनके असासाजात के हवाले से। दूसरा यह है कि इसाक डार साहब जिनकी एंजियोग्राफी हुई थी और उनकी जो डॉक्टर हैं उन्होंने अब उनको रिलीज कर दिया और अगले हफ्ते फिर बुलाया है उनको और एक दफ़ा फिर से उनकी चेकअप होगा। और अगर ओवरऑल कल की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो इमरान खान साहब ने भी जलसा किया। दूसरी जानिब अगर बात करें हम कराची की, तो कराची में एमकेएम पाकिस्तान ने कल जलसा किया, कल 6 बजे के करीब इनका जलसा जो है वो शुरू हुआ है और जो ये जलसा हुआ है इसके हवाले से अगर बात की जाए, अब देखना यह है कि जहाँ पर पाक जमीन पार्टी ये दावे करती है, ये बातें करती है कि जी एमकेएम पाकिस्तान अब अपनी जो साख है वो खो चुकी है, तो कल के जलसे में हमने देखा कि कल के जलसे में जो रिवायती वोटर है, जो रिवायती सपोर्टर है एमकेएम पाकिस्तान का, वो बाहर निकला और काफ़ी तादाद में, काफ़ी बड़ी तादाद में ये जलसा हुआ। तो अगर बात करें कि जी एमकेएम पाकिस्तान को हम इग्नोर कर सकते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जितने भी लोग पाक ज़मीन पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो ब्रांड नहीं है, उनके नाम पर शायद पाक ज़मीन पार्टी वो वोट कलेक्ट ना कर सके, क्योंकि जो पतंग का वोटर है या जो पतंग का सपोर्टर है वो शायद आज भी उस जलसे में मौजूद था। और इसी हवाले से जो है हम मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे। और अगर बात की जाए केसेस के हवाले से, तो कल फिर एक और अहम पेशी है, 7 नवंबर है और फिर मरियम नवाज़ कैप्टन ऑफ द रिटायर्ड और
मियां नवाज शरीफ ने पेश होना है और कल इस्लामाबाद में जो है इजलास भी तलब किया गया। तो गहमा गहमी की सी सूरत हाल है। ओवरऑल अगर सऊदी अरब के हवाले से बात करें तो सऊदी अरब हमारा ब्रादर मुल्क है और डेफिनेटली सऊदी अरब में जो कुछ भी होता है तो उसका असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो वहाँ पर भी जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो काफ़ी मुतारक हो गया है और काफ़ी सारे शहजादों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है। इस क्रैकडाउन के हवाले से, इस कार्रवाई के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। ऑफशोर कंपनियों का फिर शोर। पैनामा के बाद पैराडाइज लीक से हलचल। 1,34,00,000 दस्तावेजात मंजरेआम पर। बड़ी बड़ी शख्सियात के खुफिया सासे सामने आ गए। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम भी शामिल। अमरीकी वजीर खाजा रेक्स टिलर्सन, अमरीकी वजारत तिजारत मलिका बरतानिया लिस्बत और अर्दन की मलिका भी बड़ी दौलत की मालिक निकली। हर तरफ स्मोक और धुंध का गठजोड़। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मामूलात जिंदगी का पहिया रुकने लगा। हद्दे निगाह के बाइस हादसा, परवाजें मंसूख, ट्रेनें ताखिर का शिकार। घर से निकलते वक्त एहतियात ही बेहतरीन इलाज। चेहरा ढांपें, आंखों पर चश्मा लगाएं। कराची की आबादी को 1.5 करोड़ गिना गया और बाकी 1.5 करोड़ आबादी को लापता कर दिया गया, गुमशुदा कर दिया गया। हम धांधली शुदा मर्दुम शुमारी को नामंजूर करते हैं। एमकेएम पाकिस्तान नई मर्दुम शुमारी के लिए कराची में आवाम की सड़कों पर निकल आए। फारूक सत्तार कहते हैं मर्दुम शुमारी नहीं, आदमखोरी की गई, 1.5 करोड़ आबादी को लापता। खबर है वो सरबरा सुप्रीम एंटी करप्शन कमेटी और इस्लाह पसंद वली अहद शहजादा मोहम्मद का हुक्म। हमने देखा कि सऊदी अरब यूजुअली वहाँ से खबरें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा सऊदी अरब मुतारक है, सऊदी अरब चीज़ों को बहुत फोकस कर रहा है, वहाँ पर बादशाहत जो है वो चेंज हुई है, लेकिन एकदम से उन्होंने एंटी करप्शन कमेटी बनाई और एकदम से इन तमाम शहजादों के नाम सामने आए और उस पर बादशाह ने हुक्म भी जारी कर दिया कि इनके खिलाफ जो जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसके लिए तहकीकात की जाएँ। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो यूजुअली कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि हो सकता है कि ये शाही ख़ानदान के अपने ही खिलाफ कोई साजिश है, या फिर ये भी हो सकता है कि वाकई में ये शहजादे जो हैं इन इस तरह की करप्शन में मुलविस हैं। तो इस हवाले से ये खबर जो है वो सऊदीया से सामने आई है और अब देखना यह है कि इन शहजादों के खिलाफ मज़ीद क्या तहकीकात होती है, मज़ीद क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि लगभग 900 के करीब जो है सऊदी शहजादे हैं और उसमें से अगर एक एक करके इन तमाम के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है करप्शन की वजह से तो ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है। लेकिन एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर है क्योंकि इन्हीं शहजादों के ऊपर ये इल्जाम भी लगा था कि ये जो बैन तंजीमें हैं, कलदम तंजीमें हैं, उनको शायद फंडिंग भी कर रहे हैं। तो उस हवाले से अब हम आज के शो में बात भी करेंगे आगे चल के मजीद इसके ऊपर किस तरीके से इस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के इस हुक्म को देखा जा सकता है। तो ये खबर जो है जंग ने पब्लिश की है सऊदी अरब के। चलिए जनाब, सेम यही खबर यहाँ पर लगाई गई है कि सऊदी अरब में करप्शन पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। 11 शहजादों के नाम सामने आए हैं और इस हवाले से तफसील आपको सब अपडेट कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ आज के दिन की होने वाली एक्टिविटीज के हवाले से आपको जरूर अपडेट करेंगे कि सेनेटर कौमी असेंबली का इजलास, जैसे कि मंडे है, वर्किंग डे आता है, तो उसके साथ साथ ये एक्टिविटीज भी शुरू हो जाती हैं। तो कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास आज होने जा रहा है और नई हलका बंदियों और कौमी असेंबली में सूबों की नशस्तों में जो तमाम रद्द बदल किया जाएगा, इस हवाले से आज जेर इल्तवा आईनी तरमीम का बिल पेश करने के लिए भी सामने इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। साथ साथ आपको बताएं कि ओवरऑल ये जो तमाम सिचुएशन है नई हलका बंदियों के हवाले से और नशस्तों में बदल के हवाले से, इस सब पर बातचीत करने के लिए और ओवरऑल जो क्यादतें हैं वो मुख्तलिफ बैठी हैं, लेकिन नून लीग की क्यादत जो है वो आज नवाज शरीफ की जेर सदारत बैठेगी और बहुत अहम फैसले मुतवक्के हैं। आज शाम इस्लामाबाद में सदारत में जो ये ओवरऑल बैठक लगने जा रही है। एक तो ये हमारे पास आज की अहम और बड़ी खबर है। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो आज पहले तो हम देख रहे थे कि शरीफ बरादरान और अब हम देख रहे हैं कि चौधरी बरादरान के खिलाफ भी कुछ घेरे तंग होते नजर आ रहे हैं। आज ये दोनों जो हैं वो नैब के रूबरू पेश होंगे। इनके खिलाफ जो तमामदा तहकीकात का अमल है 2001 में शुरू किया गया था, लेकिन अब उसके बाद आज इन्हें दोबारा तलब किया गया है और ये दोनों नैब के रूबरू पेश होंगे। अच्छा, ये तो तमामदर सियासी एक्टिविटीज़ है, लेकिन खेलों के मैदान से भी कुछ खबरें हैं जो ज़रूर आपके साथ हम शेयर करेंगे। खेलों के मैदान में हमारे जो अच्छी और बड़ी खबर है वो ये कि 4 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुकी है और पाकिस्तानी टीम की क्यादत जो है वो कप्तान मोहम्मद इरफान कर रहे हैं, जो कि बहुत पुरउम्मीद है इस हॉकी टूर्नामेंट के लिए। तो हम भी अपनी पूरी टीम को बहुत सी बेस्ट विशेस देना चाहेंगे कि वो इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं, डेफिनेटली कामयाबी जो है वो इनका मुकद्दर होगी। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ पर जो खबरें काफी सीरियस खबरें और इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात हुई, तो हल्का बंदियों के हवाले से बात हुई जिसमें आपको शायद याद हो कि सबसे पहले हम लोगों ने ये पॉइंट उठाया था गुड मॉर्निंग आज से
कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो अब काफी मुतहरक हो चुका है और जितनी भी सियासी जमातें हैं वो जहां जोर दे रही हैं 18 के इलेक्शंस पर कि हमने जीतना है तो पहले वो आईनी तरमीम तो कर लें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर 10 नवंबर तक ये तमाम चीज़ें रैपअप नहीं की गई तो खुदा ना ख्वास्ता जो इलेक्शन हैं वो लेट हो सकते हैं, अपने वक्त पे ना होंगे। तो साद रफीक साहब जो है उन्होंने इमरान खान को यही मशवरा दिया है कि आपने जितनी तनकीद करनी हो, जितनी गालियाँ देनी हो आप हमें दे लें, लेकिन कम से कम आप 10 नवंबर से पहले बैठ कर बात करें और आईनी तरमीम कर लें। और दूसरी एक खबर जो कि हमने देखा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ के हवाले से की जा रही थी, जो कि हमने आपको बताया था कि बैकडोर रबते करने की कोशिश की जा रही है, तो वो बात मंजर यहाँ पर आ गई है। ख्वाजा आसिफ ने बिलाखिर कन्फेस कर ही लिया है कि उन्होंने रबते कराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जरदारी साहब इस दफ़ा बात नहीं कर रहे हैं। और एतजाज़ अहसन जो है वो कहते हैं कि जी ये मुकाफात अमल है, इस तरह से तो होगा, क्योंकि जब नून लीग ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी तो जरदारी साहब नहीं मान रहे थे, जब जरदारी साहब ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी तो नून लीग नहीं मान रहे थे, 2015 में भी उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था, और उसके बाद फिर बहुत सारे मसाइल आ गए, डॉक्टर आसिम हुसैन आ गए, अयान अली का मसला आ गया और दीगर बड़े मसले थे, मिसाक जमहूरियत के मसले थे, तो इस वजह से अब पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो है बज़ाहिर दूरियां हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है। तो एक खबर तो ये थी, और दूसरी खबर अगर बात की जाए यहाँ पर जो मेन लीड है वो अमरीका के हवाले से लगी है, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। अमरीका चर्च पर फायरिंग, 27 अफराद हलाक, फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई, हमला आवर जो है वो मारा गया। और इस तरीके से अमरीका में कार्रवाइयाँ होना बिल्कुल तश्वीशनाक है, क्योंकि उनकी CIA की बात की जाए या US आर्मी की बात की जाए या उनकी इंटेलिजेंस की बात की जाए या फिर उनके चेक एंड बैलेंस की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है। एक एक बंदे के नाम को वेरीफाई करके अगर किसी ने कैनेडा से US भी जाना है तो उसके लिए वेरीफिकेशन होती है, लेकिन इस तरह के वाकयात होना तो अमरीकी जो इंटेलिजेंस है, अमरीकी जो सिक्योरिटी है उस पर भी सवालिया निशान है। तो डोनाल्ड ट्रंप को डू मोर करने की ज़रूरत अमरीका के अंदर ही है, अफसोसनाक वाकया है। और अगर मर्दमशुमारी के हवाले से बात करें तो डेफिनेटली फारूक सत्तार ने जो जलसा किया है अपने तहफ़ुज़ात से आगाह किया है कि जी मर्दमशुमारी में आबादी जो है सही काउंट नहीं की गई है तो दोबारा से मर्दमशुमारी कराया जाए। तो इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो इलेक्शन शायद खुदा ना ख्वास्ता तातुल का शिकार हो सकते हैं। चले जनाब, सबा ने यहाँ पर एक अमरीका की बात की और वाकई में अमरीका में अफसोसनाक वाकया पेश आया है टेक्सस में, जिसके बाद अमरीकी सदर जो कि ऑलरेडी अभी जापान में मौजूद है उनकी जानिब से भी बयान सामने आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि मैं जापान में रहते हुए भी तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा हूँ। तो मॉनिटरिंग डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ही गन कंट्रोल करना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए रोज़ वहाँ पर फायरिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं। इसके अलावा अगर सदर ट्रंप के हवाले से बताऊँ, जैसे कि वो जापान में मौजूद है तो डेफिनेटली जापान में वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि उन्होंने एशियाई ममालिक का दौरा शुरू कर दिया और अपने इन एशियाई ममालिक के दौरे का आगाज़ ही जापान से किया, तो इसके बाद मुख्तलिफ ममालिक होंगे और उसके बाद उनसे कुछ जो रबते हैं वो ज़रूर किए जाएंगे। तो ये एक अहम खबर यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा जनाब एक और डेवलपमेंट जो यहाँ पर हुई है खबरों में वो ये है कि हसन और हुसैन नवाज के 32 लाख से ज़ायद के शेयर जो हैं वो मुंजमद कर दिए गए हैं। तो ये वाकई में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये लोग हाजिर ही नहीं हो पा रहे किसी भी पेशी में, जिसके बाद इनके असासे भी मुंजमद करने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी और फिल आखिर ये असासे भी मुंजमद होना शुरू हो गए हैं। तो जनाब ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो हमारे पास थी आज के अखबारों में। आगे बढ़ेंगे, मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे और जानेंगे कि वहां वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज होने जा रही हैं। इस्लामाबाद से सबसे पहले वसीम रजाक से हम अपडेट हासिल करेंगे, शहर इक्तदार में क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां हो रही हैं। वसीम अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज अगर बात करें शहर इक्तदार वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद की, तो आज सुप्रीम कोर्ट में रूटीन के जो मुकदमात हैं उनकी समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन में अलीम खान का केस है, उसकी आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नैब की जानब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कैप्टन सफदर की जमानत मनसूखी के हवाले से उनकी जानब से ये दरख्वास्त है, उसकी समाअत आज होगी। आज जो है हुरियत कॉन्फ्रेंस जो है उनकी जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी IA4 में, और इसके साथ आज वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म जो है नवाज शरीफ वो आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल उनकी पेशी है एहतसाब अदालत में। तो आज सियासी सरगर्मियों का जो महवर है वो पंजाब हाउस बनेगा, आज दिन में किसी भी वक्त उनकी आमद मुतवक्के है, और जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो यही उम्मीद की जा रही है कि उनकी जो पार्टी का इजलास है वो भी वहाँ पर हो सकता है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो है ये हल्का बंदियों के हवाले से आज इजलास होगा, और आज पाक अमरीका तल्लुकात के हवाले से जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें ख्वाजा आसिफ शिरकत करेंगे। अलामा इकबाल के हवाले से बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें राजा जफरुल हक आज शिरकत करेंगे। अगर इसके अलावा पार्लियामेंट और सेनेट की जो मुतफ अमूर की जो कमेटियां हैं वो भी आज होंगी। अगर इस्लामाबाद के मौसम की बात करें, इस्लामाबाद में इस वक्त धूप निकली हुई है और धूप आज जो है गर्मी की शिद्दत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर आप धूप में जाकर बैठते हैं तो धूप आजकल जो ऐसा मौसम है कि धूप में बैठना अच्छा लगता है। जी ठीक है, वसीम रजाक अपडेट करते थे, आपका बहुत शुक्रिया। बैठक पे बैठक, नून लीग का एक इजलास और फिर दूसरा इजलास, एक बैठक हुई रही है लंदन में जहाँ पर
शाहिद काकान अब्बासी, वज़ीर आज़म शाहिद काकान अब्बासी और शहबाज शरीफ मिल रहे हैं और दूसरी बैठक आज होगी पंजाब हाउस में। देखते हैं क्या क्या जो है वो अगले लाहेमल तय होते हैं और कल के लिए क्या तैयारी करके आते हैं नवाज शरीफ साहब। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ तारिक खान मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं। जी तारिक खान, अपडेट कीजिए। लाहौर में थोड़ा सा अगर मौसम की बात की जाए तो धुंध और स्मोक का जो है वो राज अभी भी कायम है और महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिशों का फिलहाल फौरी तौर पे कोई इम्कान नहीं है जब तक बारिश नहीं होती और स्मोक और धुंध जो है वो ख़त्म नहीं होगी। इसके साथ अगर एक्टिविटीज़ देखें तो अहम एक्टिविटी जो करप्शन के हवाले से है, जो खबरों की जीनत बन रही है इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी, तो चौधरी बरादरान जो हैं साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो आज नैब में पेश होंगे। उनके खिलाफ 2002 में मुशर्रफ दौर में जो हैं जायद आमदन और असासे बनाने के हवाले से जो तहकीकात थी वो उस हवाले से वो पेश होंगे। ये केस बनाया गया था लेकिन वो बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से जब एक्टिवेट हुआ है रीएक्टिवेट तो उसको दोबारा से आज उनकी पेशी और वो पेश होंगे। तारिक साहब, ये बताइएगा कि आपकी कोई बात हो सकी है इस हवाले से चौधरी बरादरान से, उनका कोई मौकफ सामने आए? जी अभी तक तो चौधरी बरान का कोई खास मौकफ सामने नहीं है, लेकिन उनका ये मौकफ के अभी तक वो पेश होंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या हालात हैं। इसके अलावा उनके साथ साथ जो डार है इसहाक डार साहब, उनकी फैमिली को भी तलब किया है नैब ने आज ही की डेट में, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है वो इस हवाले से पेश ना हो। ये तमाम पेशियाँ बिल्कुल आप जो बता रहे हैं कि आज नैब के रूबरू ये पेश होंगे, जो तमाम डेवलपमेंट होगी उस हवाले से अपडेट्स आपसे हम लेते ही रहेंगे। ये बताएगा कि मौसम के हवाले से बड़ी अफवाहें आ रही है इस वक्त पंजाब के बारे में और पंजाब में स्मोक का काफ़ी ज़्यादा राज है, ये बताइएगा कि ज़मीनी रवाबित जो हैं वो कहीं पे मुअत्तल तो नहीं हो रहे? इस साथ साथ फ़िज़ाई तौर पे भी बताइएगा कि कोई फ़्लाइट्स वगैरह में तो तातुल का शिकार नहीं? जी क्योंकि लाहौर में अगर हम देखें तो स्मोक का राज जो है वो पिछले चंद दिनों से कायम दायम है और यहाँ पे जो फ़्लाइट्स का शेड्यूल है वो शदीद तौर पे मुतासर हो रहा है। जो बैरूनी मुल्क से फ़्लाइट्स आती हैं उनको भी यहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाता है, इस्लामाबाद या किसी और शहर में जो फ़्लाइट्स हैं वो उतारी जाती हैं और उसके बाद उन मुसाफिरों को और ट्रैवल करके लाहौर पहुँचाया जाता है। अगर हम मोटरवे पर देखें तो वहाँ पर भी जो हद सफ़र है वो सिफर हो चुकी है, तो वो मोटरवे भी कई मुकाम पर बंद कर दी गई है, तो वहाँ पर भी ट्रैफिक मुअत्तल है। सिटी रोड जो है वो अवेलेबल है, कई मुकाम पर बंद कर दी गई है और फोग और स्मोक ने पूरे पंजाब को पेट में लिया हुआ है। और तर्जुमान मोटरवे का यही कहना है कि आगे आपने येलो लाइट्स लगानी है और पीछे जो है आपने रेड लाइट लगानी है। और एक और बात, जब भी पाकिस्तान में कुछ बुरा होता है चाहे वो पोल्यूशन के हवाले से मौसम के हवाले से क्यों ना हो, उसकी डेफिनेटली कुछ ब्रांचेस जो हैं वो इंडिया में होती हैं। अभी ये खबर सामने आई, नासा ने ये खबर दी कि जी भारत के अंदर दिल्ली के अंदर स्पेशली जो फसलें जलाई जा रही हैं, जो धुआं धूल मिट्टी वहाँ लोग उड़ा रहे हैं, उसका असर पंजाब में आ रहा है, जिसकी वजह से पंजाब में लोग गले की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, स्मोक ज़्यादा बढ़ रही है, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में अगर पंजाब में स्मोक है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा दारोमदार भारत पर भी है और भारत को चाहिए कि वो अपनी फसलों को जो है वो इस तरीके से ना करे, वो अपने साथ जुल्म ना करे और अपने पड़ोसियों पर भी जुल्म ना करे। स्मोक के हवाले से मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी अनब कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल जनाब, नासा की जब से रिपोर्ट सामने आई है पहले तो ये समझा जा रहा था कि भारत की जानिब से ये जो धुआं आ रहा है ये सिर्फ अफवाहें हैं और पाकिस्तान जो है वो उस चीज़ के ऊपर एक एज ले रहा है, लेकिन जब से ये रिपोर्ट सामने आई उसके बाद से ये बात वाजे हो गई है कि जो तमाम तर सूरत हाल है उसका जिम्मेदार में भारत भी है। एनीवे अपने तौर पर आपको एहतियात करनी बड़ी जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए और गैर जरूरी घर से बाहर न निकले, क्योंकि इस वक्त मरीजों की तादाद में भी काफी इजाफा हो रहा है अस्पतालों में, वहां से भी अपडेट लेंगे और साथ साथ डीजे मेट को भी हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने साथ शो में लें और जाने की आखिर बारिश जो है वो लाहौर में या पंजाब में कब होगी ताकि हमारी जान जो है वो इस स्मोक से छूटे। एनीवे यहां पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। बाद है ऑफशोर कंपनीज का पूरी दुनिया में कि जो शायद अभी हमने 20% भी अनर्थ ना किया हो, तो 80% तो अभी बहुत ज्यादा बाकी है। ठीक। दूसरी बात ये है कि देखें जो पनामा लीक था उसका जो इम्पैक्ट था वो इंटरनेशनली यूं तो बड़ा था कि तकरीबन दुनिया में 80 ममालिक में जो है वो उस पर तहकीकात हुई और उसके नतीजे में आइसलैंड के वजीर आजम को जाना पड़ा, पाकिस्तान के वजीर आजम को डिसक्वालीफाई होना पड़ा, बरतानवी वजीर आजम जो उस वक्त के थे उनको जो है वो पार्लियामेंट में आके अपनी सफाई देनी पड़ी और बाकी मुल्कों में उस पर टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो शुरू हुई। लेकिन जो पैराडाइज लीक है उसका जो ज्यादा असर है वो अब नॉर्थ अमेरिका यानी जिसको हम कनाडा और अमेरिका और यूरोप इसके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में टैक्स इवेजन जो है वो कोई बहुत बड़ी अभी तक उसको जुर्म नहीं गर्दाना जाता, आम आवाम भी उसको जो है वो कोई जुर्म इतना नहीं गिनती है। ठीक।
लेकिन अमेरिका और जो फर्स्ट वर्ल्ड जिसको हम कहें, जिसमें अमेरिका और यूरोप कनाडा ये ममालिक शामिल है, वहाँ पे टैक्स इवेजन एक बहुत बड़ा इशू है। यानी ये इतना बड़ा इशू है कि जिसकी बुनियाद पे आपका पूरा सियासी जो कैरियर है वो दाव पे लग सकता है, बल्कि खत्म हो सकता है, और ये माजी में आप देखती रही है। अच्छा, एक हम जो अपने नाजरीन है उसको कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि ऑफशोर कंपनी क्या होती हैं और क्यों इनका इनका मतमय नजर क्या होता है। तो देखिए, पहली बात तो ये होती है कि कोई भी ऑफशोर कंपनी जो होती है वो उसके मुतल्लिक फौरी तौर पर ये कह देना कि वो गैर कानूनी है, ये एक कबलस वक्त बात होती है। इसमें मसला ये होता है कि क्योंकि जैसे अब मैं लोगों को ये समझाऊं कि एक बार होता है तो लोग बार के मुतालिक एक ही चीज समझते हैं कि यहाँ पे शायद वो एक मखसूस यानी शराब ही वहाँ पे शायद अवेलेबल होती है, जबकि लोग वहाँ पे खाना खाने भी जाते हैं। लेकिन इशू ये है कि चूंकि बार का नाम इतना वो बदनाम है तो सबसे पहले लोगों की जो तवज्जो है वो उसी तरफ जाती है कि भाई तुम किसी और जगह भी जा सकते थे, तुम्हें ये मतलब एक बार ही मिला था इस काम खाना खाने के लिए। तो ऑफशोर कंपनी दो चीजों के लिए बनाई जाती है, एक तो होती है जो मेनली पर्पज होता है कि जो आपकी नाजायज आमदनी होती है उसको छुपाने के लिए, और दूसरा होता है कि अगर आपकी जायज आमदनी भी है लेकिन आप टैक्स जो कि अरबों डॉलर होता है उससे बचना चाहते हैं। तो अब ये जितने लोग हैं जिनके नाम इसमें आए हैं, अब उनमें उसका जो इम्पैक्ट, मैंने जैसे आपको बताया कि बरतानिया और अमेरिका पे क्या होगा, कि पहले तो देखें अमेरिका का समझते हैं कि अगर आप मुझसे पूछें कि कौन से दो ममालिक बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे तो एक अमेरिका होगा और दूसरा बरतानिया होगा। अमेरिका में इलेक्शन से पहले ही एक अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक सर्द जंग जो है वो जारी है, और अब इसमें जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 13 करीबी साथी, जिनमें सेक्रेटरी खारजा रेक्स टिलरसन और जो उनके सेक्रेटरी कॉमर्स हैं यानी तिजारत के, जो जिसको तिजारत अपनी दुकान जो कहें वो है, ये दो बड़े उनके अहम लोग हैं। यानी एक उनकी तजारती पॉलिसी के निगरान है और एक उनकी खारजा पॉलिसी के निगरान है, उन दोनों का नाम जो है वो इसमें आता है। अच्छा सर, अमेरिका के हवाले से आप बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो जो 13 लोग हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, अमेरिका के ऊपर भी असर पड़ेगा, लेकिन आप देखें कि क्वीन एलिजाबेथ का नाम भी इसमें है, तो क्या कहता है बरतानिया का लॉ इस हवाले से जो पैराडाइज लीक्स आई है? जी, दूसरा मैं बरतानिया की तरह आने वाला था, सिर्फ मैं एक जुमला पूरा कर दूं कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आएंगी, और क्योंकि एक इंक्वायरी होगी और इन तमाम हजरात को पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अव्वल तो ये रकम जायज थी, लेकिन अगर वो ये रकम प्रूफ कर भी दे तो उसके बाद भी उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उन्होंने टैक्स नहीं बचाया। अब आइए बरतानिया की तरफ। देखिए, बरतानिया में जो बादशाहत का इंस्टीट्यूशन है वो एक बड़ी मुकद्दस हैसियत रखता अब तक भी है, इसके बावजूद के वहाँ पे एक डिबेट शुरू हो गई है कि 21वीं सदी में इस इंस्टीट्यूशन की गुंजाइश नहीं, लेकिन बरतानिया जो कि जमहूरियत की माँ कहलाती है, इसके बावजूद वहाँ बादशाहत के इंस्टीट्यूशन को कायम रखा गया। बल्कि बरतानिया को कई कंसेशन हासिल है, यानी उनको इस्तिस्ना हासिल है बरतानवी जो अदालती निजाम या जो है उसमें, लेकिन एक हद तक है। यानी ये नहीं है, आपको इस तरह दिनों पता होगा कि मलका बरतानिया का ट्रैफिक की वायोलेशन करते हुए चालान भी हुआ था, तो यानी वहाँ पे कानून में जहाँ कुछ इस्तिस्ना है वहाँ पे जिम्मेदारियाँ उससे कहीं ज्यादा है। मतलब ये लोग भी टैक्स एग्जम्प्ट नहीं होते? नहीं नहीं, टैक्स एग्जेम्पशन से कोई बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात है, मलका बरतानिया को दो चीजें प्रूफ वही करनी पड़ेंगी कि ये रकम कहाँ से आई, 10 मिलियन पाउंड। दस मिलियन पाउंड कोई मतलब मामूली रकम नहीं होती है, तो पहले तो उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या जरूरत पेश आई उनको ऑफशोर कंपनीज में। अच्छा, आमिर साहब, जितने बड़े बड़े ये नाम आए हैं, चाहे वो मलका एलिजाबेथ हो, चाहे सदर ट्रंप के जो कुछ काबीना के लोग हो वो हो, या फिर बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम इस बार हमने देखा, इवन कनाडा की भी हम देख रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो के भी कुछ करीबी साथी उसमें शामिल है, तो ये जितने बड़े बड़े नाम आए हैं डेफिनेटली कार्रवाइयां तो होंगी, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन पेपर्स को चैलेंज किया जा सके, या फिर सिर्फ आप जस्टिफाई रिजाइन कर सकते हैं लेकिन चैलेंज नहीं कर सकते? देखिए, चैलेंज करने का तो बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैंने आपसे शायद कल रात की ये बात की थी जब ये लीक आई थी कि देखिए, ये अब जो इन लोगों को चैलेंज उस वक्त किया जाएगा कि जब मैं ये समझूं कि मैं गलत नहीं हूँ। तो जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी उस वक्त उनके बेटों के खिलाफ बात आई थी, तो कई प्रोग्राम में जो मुस्लिम लीग नून के लोग मिलते थे तो वो यही कहते थे कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है।
तो उस वक्त भी हमने उनको ये कहा था कि इसका आसान हल है कि अगर आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर दें अमेरिका में, तो वो पाकिस्तान की कोर्ट्स नहीं है कि कोई 20 साल मुकदमा चलेगा। वो डिफेमेशन लॉज बड़े सख्त है, आप $1 अरब का उनके खिलाफ हर्जाना करें, दो चीजें हो जाएंगी, आप फौरी तौर पर एक्जोनरेट हो जाएंगे कि आपके खिलाफ मुल्की अदालत में कोई मुकदमा नहीं चल पाएगा, क्योंकि कानून के मुताबिक एक मुकदमा दो अदालतों में नहीं चल सकता, और दूसरा $1 अरब भी मुल्क में वापस आ जाएगा। तो वो जाहरी बात है कि ऐसी बात थी नहीं, वो सब चीजें सामने थी। वो कतरी खत, वैसे आपको पता है शायद कि कतरी खत भी जो बेचारा है वो भी फंस चुका है, और लगता है कि अब वो नवाज शरीफ साहब से खत लिखवाएंगे जवाब के तौर पे। नवाज शरीफ, अच्छा पैराडाइज लीक्स की ही बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बात करते हैं हमारे ही अपने मुल्क की, जिनके दो बड़े नाम आए हैं, शौकत अजीज साहब और चेयरमैन अयाज खान साहब, इनके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन सर आप हमारे साथ लाइन पर रहेगा, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको पैराडाइज लीक्स के हवाले से। पैराडाइज लीक्स के मुताबिक वजीर खजाना पाकिस्तान बनने से कुछ पहले शौकत अजीज ने डेलावेयर अमरीका में ट्रस्ट कायम किया, जिसे बरमूडा से चलाया जा रहा था। बतौर वजीर खजाना और बतौर वजीर आलम शौकत अजीज ने कभी ये असासे जाहिर नहीं किए। शौकत अजीज के वकील का कहना है कि शौकत अजीज को अपने ट्रस्ट पाकिस्तान में जाहिर करने की जरूरत नहीं थी। उनके वकील ने ये भी कहा है कि शौकत अजीज की अहलिया और बच्चे भी बेनिफिशरी थे, बेनिफिशियल मालिक नहीं। शौकत अजीज पाकिस्तान के वजीर आजम और वजीर खजाना रहे। 1999 में शौकत अजीज वजीर खजाना मुकर्रर हुए। 28 अगस्त 2004 को वजारत उस्मा का कलमदान संभाला। 15 नवम्बर 2007 को बतौर वजीर आजम सुबकदोश हो गए, जिसके बाद शौकत अजीज बैरून मुल्क मुकीम है। साथ ही नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साबिक चेयरमैन अयाज खान न्याजी का नाम भी सामने आया है। अयाज खान न्याजी के ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में 4 ऑफशोर असासे सामने आए हैं। ये सब कंपनियां 2010 में कायम की गईं, जब अयाज खान नियाजी NICL के चेयरमैन थे। अयाज नियाजी के दो भाई हुसैन खान नियाजी और मोहम्मद अली खान नियाजी बेनिफिशियल ओनर थे। अयाज नियाजी, उनके वालिद अब्दुल रज़ाक खान और वालदा नाम बतौर डायरेक्टर हैं। अयाज नियाजी को फरवरी 2009 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का चेयरमैन बनाया गया। बैंकिंग या इंश्योरेंस की तालीम का तजर्बा न होने के बावजूद तकरर हुआ। अयाज नियाजी का नाम NICL करप्शन केस में भी सामने आया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने NICL करप्शन का नोटिस लिया। इन्हें अक्टूबर 2010 में जबरी रुख्सत पर भेजा गया। नवम्बर 2010 में अयाज नियाजी ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। इन्हें दिसंबर 2011 में अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया था। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी, और हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं आमिर लतीफ साहब, आपसे मजीद बात करेंगे। बात करी थी मैं शौकत अजीज के नाम के हवाले से, जो पाकिस्तान के ये दो बड़े नाम सामने आए हैं। सर आप क्या देखते हैं कि इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? इन्वेस्टिगेशन तो जरूर की जानी भी चाहिए, जैसे आपके इल्म में है कि पिछले हफ्ते ही अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक, जिनकी ओरिजिनल पिटीशन थी कि जो पनामा लीक्स में 456 लोगों के नाम थे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना ये तासुर जाएगा कि ये जो कार्रवाई है वो सिर्फ एक शख्स के खिलाफ या एक खानदान के खिलाफ हुई है। तो उन्होंने दोबारा उसको अपनी याद दहानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मीडिया का प्रेशर है और जिस तरह एक सजा बन चुकी है, वो ये सारी चीजें होंगी। हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं कि देखिए, जो शौकत अजीज या सरदार अयाज खान नियाजी साहब का, अयाज खान नियाजी साहब को तो आम लोग जानते भी नहीं है, लेकिन शौकत अजीज साहब का भी नाम कोई बड़ी चीज नहीं है इनमें। यानी मैंने पाकिस्तान पे इसका असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि शौकत अजीज जो है वो ना तो उनकी कोई पाकिस्तान में पोलिटिकल बैगेज है, ना कोई उनका पोलिटिकल मुस्तकबिल है, और ना ही कोई आपको उनका रोल जो है वो नजर आता है। तो वो मतलब उस जमाने में भी वजीर आजम होते हुए भी सिर्फ वजीर खजाना ही थे, इससे ज्यादा कोई उनकी हैसियत नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा आमिर साहब, अभी तो ये दो बड़े नाम हैं ना जो पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि बड़े नाम नहीं हैं, फिर भी चले इनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन अभी साथ साथ ये भी कह दिया गया है लीक्स के आने के बाद कि कुछ जर्नल्स हैं, कुछ ब्रिगेडियर्स हैं, जिनके नाम अभी आगे आने वाले हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब आपको पहले से ही पता हो कि इस तरह की लीक सामने आ रही है, जिन लोगों की ऑफशोर कंपनी ऑलरेडी है, वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से उनके लिए कोई स्केप निकल सकता है, कोई रास्ता बचता है कि बस अब पकड़ धकड़ ही होगी? देखिए, दो चीजें समझते हैं। एक तो चीज ये है कि अगर एक चीज कोई सामने आ गई और उसके बाद कौन सा रास्ता निकलता है, तो ये जो कानून होते हैं ये हमेशा पाकिस्तान या दुनिया भर में इलीट क्लास ही बनाती है, और इलीट क्लास के लिए ही बनाए जाते हैं। तो वो कोई ना कोई ऐसा लैकुना जरूर रखते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीजें जरूर होती है कि जिसकी बुनियाद से वो कहीं ना कहीं उनको सेफ पैसेज मिल सकता है। कई दफा मिल जाता है और कई दफा नहीं मिलता, ये दुनिया का काम है। अब दूसरी बात यह है कि वो लीक्स आने से कैसे रोके, तो मेरी नाकिफ राय में इसकी
पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये बड़ी ही खतरनाक चीज है, यानी इट्स अ टू एज सोर्ड, दो धारी तलवार है कि आप अब इन चीजों से जो है वो बच नहीं सकते। जो चीज रिकॉर्ड में आ गई उसके बाद, यानी ये जो डेटा जर्नलिज्म है ये बड़ी ही खतरनाक एक चीज आई है, और डेटा जर्नलिज्म के नाम पे आप एक्सट्रीम हद तक जा सकते हैं और कहीं भी कंप्यूटर्स में घुस के वो तमाम मालूमात निकाली जा सकती है कि जो शायद वैसे आप आम आदमी उसको या आम जो शख्स अदालती आम लोगों तक जिसकी रसाई नहीं होती ना हो सकती है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अब इससे मुस्लिम लीग नून का गिला तो कम अज कम दूर हो गया होगा, जो कि पनामा पेपर्स को कोई यहूदी साजिश और बैन अकवामी साजिश कहते थे पाकिस्तान को तबाह करने की, तो इस दफा तो पाकिस्तान को बख्श दिया उन्होंने, बल्कि इस दफा तो उन्होंने अपने जो सारे बड़े बड़े जुगादरी। अच्छा सर, ये एपिसोड वाइज ये लीक्स जो हैं वो आ रही हैं, पहले पनामा लीक्स आई, फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ और पेपर्स भी रिलीज किए गए थे ICIJ की जानिब से, और अब ये पैराडाइज लीक्स है, तो आपको क्या लगता है कि जब ये लीक्स आ रही हैं इनका सिलसिला शुरू ही हो गया है और एक डेटा कलेक्शन का भी सिलसिला है, तो ओवरऑल अब इसके हवाले से मुल्क में बाकायदा तौर पर कानूनी हिकमत अमली कर देनी चाहिए कि जिन जिन के नाम आ रहे हैं उनको इस तरीके से आप एहतसाब के सामने बिठाएं और फौरन से आप फैसले करें, ये ना करें कि आप आज समाअत कल समाअत फिर समाअत, तो ये ड्यूरेशन जितना लंबा होगा लोगों का मोराल उतना हाई होगा, लोग फिर छुपाएंगे। ऑलरेडी साल हो चुका है सर। बिल्कुल दुरुस्त बात है, देखिए असल में क्योंकि एहतसाब का मौसर निज़ाम अभी तक नहीं बन पाया है, और शायद मैं अगर ये कहूँ कि पूरी दुनिया में ही नहीं बन पाया, लेकिन पाकिस्तान का तो बिल्कुल ही नीचे की जो ममालिक है उनमें नाम आता है, बाकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होता है, एटलीस्ट ये होता है कि जिनके इल्जाम होते हैं तो उनको उस वक्त तक पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बनने दिया जाता जब तक वो उससे क्लियर ना हो, लोग इस्तीफे दे देते हैं, और एक निज़ाम बहरहाल पब्लिक प्रेशर है, हमारे यहाँ शायद अभी वो जो करप्शन पे जो पब्लिक प्रेशर बनना चाहिए वो भी नहीं बन पाया, ये एक तब्दीली पिछले एक साल में आपको नजर आई होगी, और वो भी मैं नहीं समझता कि उसमें कोई आम लोगों का हाथ है, उसमें मैं क्रेडिट मीडिया को देता हूँ, मीडिया ने इतना मामले को जो है वो उठाया और वो एक नेशनल डिबेट बन गई, लेकिन आम लोगों में अगर आप अभी भी बात करें तो मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आम लोग करप्शन को उतना बड़ा मसला नहीं समझते, और उसको बस ये समझा जाता है कि ठीक है जी वो अगर उन्होंने कुछ खाया है तो कुछ लगाया भी तो है। ये तो ये एक कोई अच्छी चीज नहीं है कि जिससे पाकिस्तानी की हैसियत से हम फख्र कर सकें, वक्त आ गया है कि इन लॉज को मजीद सख्त किया जाए। अब दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग की और उसकी जैसे जैसे सिक्योरिटी इश्यूज हुए, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग भी क्या थी, मनी लॉन्ड्रिंग भी बड़े मुल्कों का एक फिनोमिना था, उन्होंने ही बनाया हुआ था, वही सब चीजें करते थे, लेकिन जब उनकी सिक्योरिटी पे जद पड़ी तो फिर जाके उनको ये ख्याल आया, वरना उससे पहले वो सारे पैसे अपनी तरफ आने देते थे ना, क्योंकि उनको सारा सरमाया। आमिर साहब, ये तो तमाम नाम जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कल जो ये खबर आई है उसके आने के बाद कुछ लोग बड़े ही ताज्जुब में चले गए, बहुत ही ज्यादा वो सरप्राइज हुए जब जस्टिन ट्रूडो का नाम भी उसमें सामने आ गया, बड़े लोगों के दिलों की जान है वो, और उसके बाद उनका जब नाम सामने आया, फिर क्वीन एलिजाबेथ हो इनका भी नाम सामने आया, क्या समझते हैं आप इस तरह की पर्सनैलिटीज के जब नाम सामने आए तो ओवरऑल आलमी सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए एक तस्वीर कर लें, जस्टिन ट्रूडो का नाम नहीं है इसमें, अच्छा। उनके कुछ करीबी साथियों का नाम है, उनका नाम बिल्कुल नहीं है, लेकिन जाहिर है मैं समझता हूँ कि शायद जस्टिन ट्रूडो के नाम आने से भी वो हलचल नहीं मचती जो हलचल मलका बरतानिया के नाम आपने कहा कि वो जो है एक मुकदस उनकी एक जिसे कहते हैं ना एक बहुत वो है कि बरतानिया में आप हवाए बात क्वीन के और कुछ हजरत बिल्कुल सही कह रहे हैं। आमिर साहब, जब ये पैराडाइज लीक्स आई थी तो सबसे पहला नाम जब सुना तो उसके बाद फोकस मलका बरतानिया पे ही जा रहा था कि मलका बरतानिया ने ऑफशोर कंपनी बनाई है, पहला सवाल ये जहन में आ रहा था कि उनको क्या जरूरत थी, वो तो पहले ही माशाल्लाह से क्वीन है जी, उनको ही अब ये करनी पड़ेगी, अब मुमकिन है कि वो किसी ऐसे कानून का सहारा ले लें कि जिसमें टैक्स मैनेजमेंट के नाम पे, मैंने आपसे कहा ना कि ये फौरी तौर पे कह देना कि ये सारा काम जाली है, ठीक है, हर ऑफशोर कंपनी को आप जाली नहीं कह सकते जी, नहीं कह सकते तो हाँ, ये हमने लेकिन जब पनामा लीक आया था तब भी हमारा पहला नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक भी यही था कि हम कतई तौर पर नहीं कह रहे कि इन्होंने गैर कानूनी पैसों से बनाई है, वो फिर
अदालत में चूके जा के हवाले से, तो फारूक सत्तार का यही कहना है कि हल्का बंदियों के हवाले से तो बात बाद में की जाएगी, पहले तो हम मर्दमशुमारी की बात करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक मर्दमशुमारी में 1.5 करोड़ आबादी को तो गिना गया है लेकिन बाकी 1.5 करोड़ को जो है वो नहीं गिना गया। तो मर्दमशुमारी यानी सेंसस जो है वो दोबारा से कराए जाए, ऐसा उनका मुतालबा है। और साथ साथ पीपल्स पार्टी भी कुछ मिला जुला ही ऐसा ही कह रही है। तो उनके तहफ़ुज़ात हैं और आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कराची की आबादी को 1.5 करोड़ गिना गया और बाकी 1.5 करोड़ आबादी को लापता कर दिया गया, गुमशुदा कर दिया गया। हम धांधली शुदा मर्दम शुमारी को नामंजूर करते हैं। आदम शुमारी और मर्दम शुमारी की बजाय ऐसा लगता है कि आदम खोरी की गई है। कराची में 1.5 करोड़ तो सिर्फ खवातीन है, मर्दों को तो गिना ही नहीं गया। हमारा मुतालबा है मर्दम शुमारी फिर से होनी चाहिए, हमारी आबादी को सही गिनकर हमें नुमाइंदगी भी दी जाए, तरक्याती फंड्स भी दिए जाए, हमारे आंसू भी पहुंचे जाए। फारूक सत्तार तो जनाब बड़े ही पूरे अहतमाद और बहुत ही पुरजोश दिखाई दे रहे थे कल, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ओवरऑल ये जलसा भी किया है, कंडक्ट किया है। लेकिन सिर्फ वही नहीं बल्कि दीगर जो और एमकेएम के रहनुमा हैं उन्होंने भी कल जलसे से खिताब किया और काफ़ी दबंग अंदाज में पीएसपी पर तनकीद भी की है। अगर मेयर कराची की बात करें वसीम अख्तर, तो वसीम अख्तर तो कहते हैं कि जनाब हमारे कारकुनान को फ़ोन करके धमकियाँ भी दी जा रही हैं, जबकि दूसरी जानब ख्वाजा इज़हारुल हसन का ये कहना है कि जो लोग विकटें गिराने की बात करते हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की विकटें क्यों नहीं गिराते, उनका मजीद क्या कहना है ये सुनिए। 22 के बाद उस सुनामी के बाद जो हम आफ्टर शॉक्स बर्दाश्त कर रहे हैं, हम नेक नियति से इस पतंग को लेके चलना चाहते हैं आगे, किसी के धमकाए में नहीं आना। फोन करते हैं बैठ के साथियों को, मेरे मुंह से अब निकल ना जाए, फोन करते हैं कि आ जाओ इस तरफ वरना रास्ते से उठा के ले आएंगे। तुमने इस पार्टी को बदनाम किया है, हम घबराने वाले नहीं हैं। एमकेएम दुश्मनी में जो जो कराची दुश्मनी कर रहा है, कराची वाले आज उसे यहां अपनी मौजूदगी से जवाब दे रहे हैं। एक साल से सुन रहे हैं ये बात, एमकेएम की विकेट गिर गई। अगर विकेट गिरानी है तो पीएमएलएन की गिराओ, पीपल्स पार्टी की गिराओ, अपने घर की विकेट क्या गिरा रहे हो यार। तो जनाब इस वक्त आपने देखा कि किस तरीके से जो है इनके एमकेएम के रहनुमा बात कर रहे थे, ख्वाजा इज़हार थे, फैसल सबसवारी थे और काफ़ी पुरजोश जो है जलसा था। ये ओवरऑल टफ टाइम तो दे रही है एमकेएम पाकिस्तान। अब देखना ये है कि आगे चल के इस जमात का जो है स्टांस क्या होता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एमकेएम पाकिस्तान के सरबरा फारूक सत्तार साहब ने, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस दफ़ा जो आपके एहतजाज है, जो आपका मुतालबा है वो मर्दमशुमारी के हवाले से, तो आवाम पास तो आप लेकर चले गए अपनी फरियाद, लेकिन ये बताइए कि दीगर सियासी पार्टी भी क्या आपका साथ देंगी, आप उनके पास जाएंगे? मर्दमशुमारी में कराची और सिंध के शहरों के आवाम को कम गिना गया है, तो ये मसला सिर्फ उर्दू बोलने वालों का या महाजरों का नहीं है, ये मसला यहाँ रहने वाले एक पाकिस्तानी का है, चाहे वो कोई ज़बान बोलता हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, बलोच हो, पख्तून हो, हज़ारेवाल हो, सराइकी हो, गिलगिती, बल्तिया, कश्मीरी हो, ये सबका मसला है। तो हमने कहा है कि हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमें तमाम कसीरुल इकाइयों को इकट्ठा करना है, यकजा करना है, क्योंकि इसी से उनकी आइंदा की नुमाइंदगी का सवाल है। आबादी कम होगी, नुमाइंदगी कम होगी, आबादी ज़बरदस्ती कम होगी, तरक्याती फंड्स कम आएंगे, पानी के निकासी आपके कचरे उठाने के जो वसाइल और मशीन है उनका मसला उसी तरह रहेगा, जो इख्तियार है उनका मसला भी उसी तरीके से रहेगा, रोज़गार में उनका हिस्सा और कोटा कम होगा, उनका हक नहीं मिलेगा, दाखिलों में हक नहीं मिलेगा, नए कॉलेज, नई जामियात, नए अस्पताल, डिस्पेंसरी, उनका फंड्स भी नहीं मिलेगा, फिर बहुत सारे और तरक्याती मंसूबे हैं, तो ये सबका मसला है। और फिर
क्योंकि कराची कौमी शहर है, तरक्की का इंजन है, मईशत का मरकज़ है, इसलिए कराची की अहमियत सिर्फ कराची में रहने वालों के लिए नहीं है। कराची में अगर पाकिस्तान की बका दाव पर लगी और हम जब दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, तो कराची से वास्ता लाहौर, पेशावर, कोयटा और लाड़काना का भी एक आम पाकिस्तानी कराची में उसका उतना ही स्टेक है जितना कराची में रहने वाले का। तो कराची की अहमियत को जो है वो समझना चाहिए और कराची को दी लगा। बिल्कुल सही। अच्छा फारूक सत्तार साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप दूसरी जमातों के पास जाने का भी इरादा रखते हैं, तो क्या उस जमात में पीएसपी भी शामिल है? क्या कोई ऐसा इरादा है कि पीएसपी से भी इस हवाले से कोई बातचीत की जाएगी? देखिए, इस मरतबा पास जाएं ना जाएं, बाकायदा किसी के पास जाएं ना जाएं, ये एक हमारी ऐसी कॉल है, हमने लीड ली है, हमने पहल की है और हम इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते, हम इसको ओपन करना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सिविल सोसाइटी को ज़्यादा मोबिलाइज करें और वो इसकी ओनरशिप ले लें, क्योंकि सिर्फ हमारे बोलने से ऐसा महसूस होता है कि ये कोई MQM का, महाजरों का या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, जो कि एक दिखाया तासुर दिया जाता है कि ये तो एक एक डिस्ट्रिक्ट की जमात है। तो मैं समझता हूँ कि हम भी ये तासुर नहीं देना चाहते, ये महाजरों का मसला है, ये कराची का मसला, और कराची कौमी शहर है, मिनी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का मसला है। कराची के साथ अब नाइंसाफिया और ये जो 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 ये ज्यादतियाँ हो रही हैं, अगर ये ख़त्म नहीं हुआ तो फिर मुझे नहीं मालूम कि कल पानी की कमी को लेकर फसादात होंगे, तो वो पानी की कमी के फसादात लसानी फसादात में बदल जाएंगे। तो यहाँ एक मेल्टिंग पॉट है, कई इकाइयाँ हैं, उनको आपस में उनका इंजमाम हो रहा है सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। तो कराची को उतनी सप्लाई वसाइल की, फंड्स की, रोज़गार की, दाखिलों की, तरक्की की मिलनी चाहिए जो डिज़र्व करता है। वो एक पूरे ख़ानदान के लिए लड़ाई कुश्ती लड़ने वाला पहलवान, उसी की खुराक का ख्याल ना रखा जाए। कराची चलता है तो पूरा मुल्क चलता है, वही पहलवान बीमार हो गया उसे ठीक है कह रहे हैं कराची चलता है तो पूरा मुल्क चलता है। अगर बात की जाए ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के हवाले से और मर्दम शुमारी दोबारा करा दी जाती है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है वो तरीकाकार होता है, तो आपको क्या लगता है कि 2018 में MQM पाकिस्तान दोबारा आएगी और वोट बैंक के साथ आएगी? और दूसरा ये कि अगर MQM पाकिस्तान दोबारा आती है तो जैसे PSP कहती है कि इस दफ़ा वज़ीर आला हमारा होगा, आपका हो सकेगा वज़ीर आला इस दफ़ा? MQM का वोट बैंक तो मैं आपको बहुत दावे से कहता हूं कि लोगों की इस वक्त बुनियादी ज़रूरत उनकी यकजहती और इत्तेहाद है, उसी से उनके मसाइल की हल की ज़मानत मिलती है, उसी से उनके रोशन और महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत मिलती है, और उसी से उनकी बका सलामती और मुल्क की बका सलामती जुड़ी हुई है। ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कयास आरइयां हों, दानिश्वर कुछ भी कहें, टॉक शोज़ में कोई भी बात हो, मैं तो इसीलिए चैलेंज करता हूं कि ये 7-8 सीटें सूबाई असम्बली की, 2 सीटें कौमी असम्बली की, आसिफ हसनैन की, सफियान यूसुफ की। अगर इस दफ़ा PSP ने दावा किया हमने लात मारा है, ये वोट बैंक MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार का नहीं है, ये तो लंदन वालों का है, और अच्छा है तो आए इस ये आप अपनी 7 सीटों पे अपनी किस्मत को आजमा लें। मैं चैलेंज देता हूं, सीटों पे हम लड़ते हैं वो भी लड़ें, किसी और को लड़ना है वो भी आके लड़ें। और ये रिवायती हलके हैं MQM के, मेरे ख्याल में 2018 तक हम क्यों लोगों को इंतजार करवाएं, वो ज़हनी कश्मकश में रहे, तो परेशानी में रहे, तो आइए मैदान अमल में आते हैं, फैसला करते हैं, इस्तीफा दिलाएं और हम लड़ते हैं उन सीटों पर इलेक्शन। तो मेरे ख्याल में मैंने तो आसान फार्मूला दे दिया। फारूक सत्तार साहब, ये बताएगा कि इस वक्त नबील कबूल जो है वो कुछ इंकशाफात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि मुशर्रफ साहब MQM के ग्रुपों को यकजा भी करेंगे और 2018 के इंतखाबात से पहले हो सकता है कि वो MQM को लीड भी करें। क्या समझते हैं आप, कितने किस हद तक उनके दावे दुरुस्त साबित होंगे? अगर ये किसी की ख्वाहिश है तो ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा मायूब भी नहीं है, तो ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इस मौजू पे मेरी बड़ी तफसीली बात हो चुकी है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से, दुबई में थे पिछले साल 23 अगस्त के इख़्तिताम के बाद, सितंबर में उनका मुझे फ़ोन आया था, मेरी 45 मिनट बात हुई, अच्छा। तो मैंने उनके इस तजवीज़ को उसी वक्त मुस्तरद कर दिया था, फिर ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब को मैंने दुबई भेजा और उन्होंने भी एक तफसीली मुलाकात की परवेज़ मुशर्रफ साहब से, अच्छा। और वहाँ पर भी बिल्कुल उनको क्लियरली बता दिया कि ये मुमकिन नहीं है, एक 35 साल से कायम है एक सियासी जमहूरी अमल है, तो इसी को स्ट्रेंथन करे। कोई अमल, कोई जमात अस खुद बुरी नहीं होती, एस ब्रांड बुरी नहीं होती, उसमें अच्छे बुरे लोग होते हैं, बुरे लोगों को निकालें जिन पर मिलिटेंसी का खदशा या शक हो सकता है या था, जो जराइम में हो सकते थे या थे,
तो उनको पार्टी में दोबारा ना आने दिया जाए और ऐसे लोगों पर नज़र रखी जाए और पार्टी को इस तरह के अनासिर से और इस तरह के असरात से महफूज रखा जाए। तो ये और हम सख्ती से कारबंद हैं। अदम तशद्दुद, अदम तसादुम की पॉलिसी पर एक पढ़ा लिखा एक साफ़ सुथरी जमात हमें कायम करनी, जिसमें हम मैं समझता हूँ खासियत तक कामयाब हुए। तो अब ये बाकी लोगों की सोच हो सकती है, कह रहे हैं आप इस तरह के लोगों को पार्टी से दूरी रखना चाहिए। अच्छा सर, एक और चीज़ और वही चीज़ जो बार बार एमकेएम पाकिस्तान से सब सवाल करते हैं, पार्टी वफादारी वाला मसला, कि आपके लोग जो हैं वो पीएसपी में जा रहे हैं और यही कहा जाता है जी ड्राई क्लीन होने के लिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वसीम आफ्ताब साहब जो है, उन्होंने भी हमारे शो पर यह बात की थी कि बड़े बड़े नाम जो है वो शामिल होने वाले हैं, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि भाई अगले हफ्ते में ही देख लीजिएगा कितने बड़े नाम जो है वो शामिल होते हैं। तो कुछ बता दीजिए सर कि अब आपको क्या लगता है कि अगला नाम क्या होगा और किस तरीके से आप ये रोकथाम कर सकेंगे पार्टी वफादारियों वाला केस, क्योंकि एटलीस्ट आपको एडवांटेज तो है, एज तो है, क्योंकि ब्रांड नेम तो आप ही हैं। देखिए, आज जो लोग जा भी रहे हैं, मैं बहुत दावे से कह रहा हूं कि वो बहुत मजबूरी में जा रहे हैं, एक दबाव है, एक जबर है। अच्छा। और परेशानियां उनके मुंह से वाजे है, नजर आती है। मैं परेशान देखता था अरशद वोरा को अक्टूबर के पहले हफ्ते से, जब ये केस बना, केस की तफ्तीश शुरू हुई और उन्हें भी एफआईए में एक मरतबा बुलाया गया था। अब ये सारी बातें ज़रूर उन्होंने मुझसे शेयर नहीं की। मैंने तो कहा था कि अगर आप जाना चाहते हैं तो मुझे बताकर जाएंगे, मुझे खुशी होगी, मैं खुद आपको रुख्सत करने आऊँगा। हम तो अपने दोस्तों को आजमाइश में नहीं डालते। अच्छा। और सैकड़ों हज़ारों लोग जो वापस आना चाहते हैं उनको भी रोका हुआ ये कह के कि हम आपको भी आजमाइश में नहीं डालना चाहते। ये पहिया खुद ब खुद उल्टा चलेगा जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, सबके लिए बराबर की पॉलिसी होगी, ये दबाव और ये जबर हम पे भी ख़त्म होगा, हमारी सियासी सरगर्मियां बहाल होंगी, हमारे दफातर हमें वापस मिलेंगे, लापता साथी बाजियाब होंगे, छापे गिरफ्तारियों का जो बिला सबब जो छापे गिरफ्तारियाँ उनका सिलसिला भी कम होगा, ख़त्म होगा। तो देखिएगा ये पहिया कैसे उल्टा चलता है। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, आप देखिएगा कि फिर किस तरह एम के। अच्छा सर, अभी रिसेंटली जो हमने देखा कि अरशद वोरा साहब भी जो हैं वो पार्टी उन्होंने तब्दील की है अपनी, तो आप लोगों ने उनके मुसाफी ना होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन जाने का फैसला किया था, और कहा तो पहले तो ये बताएगा कि उन खत के नुकात क्या होंगे, और दूसरी चीज़ मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर इलेक्शन कमीशन में भी आपके इस केस की सुनवाई नहीं होती है, आप लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता, तो फिर एमकेएम क्या करेगी? हमने अभी फैसला नहीं किया है, लेकिन सोच विचार हो रहा है। अच्छा। मेरे ख्याल में आज हम बैठेंगे और किसी वक्त ये फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बेशक हम इस बात के हमेशा मुंतजर रहेंगे, कहाँ रहेंगे। अरशद वोरा हमारे अच्छे साथी थे, अच्छे साथी हैं, अच्छे इंसान थे। ठीक, बिल्कुल। आप में अरशद वोरा साहब जो अच्छे इंसान हैं, और अगर वो आपको बता के जाते तो आप खुद उनको जो है वो सी ऑफ करते। बहुत शुक्रिया एमकेएम पाकिस्तान के सरबरा फारूक सत्तार साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे पार्टी वफादारियों के हवाले से, अपने तहफ़ात के हवाले से, मरदमशुमारी के हवाले से। तो अगर देखा जाए तो एक साइलेंट मैसेज उन्होंने जो है वो दे दिया है अपने तमाम रहनुमाओं को कि भाई जो भी जाए वो बता के मुझे चला जाए, और इसी तरीके से मैं उनको सी ऑफ करूँगा, और फिर पहिया जब उल्टा घूमेगा तो फिर देखना यह है कि वो पहिया किसके ऊपर चढ़ेगा। तो एमकेएम पाकिस्तान का अपना स्टांस है, वो अपनी जगह कायम है, और कल उसने अपनी सियासी पार जो है वो भी। बिल्कुल जनाब, इस हवाले से मजीद भी कुछ बातचीत करेंगे, और ओवरऑल जो हम इनकी जानिब से देख रहे हैं कि मर्दमशुमारी को इन्होंने इशू बनाया है, तो मर्दमशुमारी के हवाले से तो ये भी कहा जा रहा है कि ये पब्लिक इशू को उठाया जा रहा है ताकि इंतखाबात से पहले आवाम की थोड़ी सी हिमायत इन्हें हासिल हो जाए। तो ये तमाम तरफ़ाहें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन एक इमामी मसला उठाया बात भी की थी। हाँ। बहुत ही खूबसूरत खुशकल और बहुत ही माहिर लड़की है वो। चले इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमबीए के बैच में 58 ममालिक के 328 तालिबे इल्म, जिनमें से एक कंजा अजीमी भी हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। कंजा ने यहां का सबसे बड़ा एजाज सईद पिराइज अपने नाम किया और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। सईद बिजनेस स्कूल के डीन पीटर टिफोनो ने इस एजाज का ऐलान तकमील कोर्स की पुरशिकवा तकरीब में किया। सईद फिराइज ऑक्सफोर्ड कम्युनिटी के एमबीए प्रोग्राम में एक तालिबे इल्म को शानदार तरीन तालीमी और गैर नसाबी कारकर्दगी के एतराफ में पेश किया जाता है। लीडरशिप पोजीशन में खवातीन की शिरकत और सनफी मसावात के लिए जिद्दोजहद करने पर कंजा अपनी क्लास की फाल तरीन तालबा रहीं। कंजा अजीमी ने 2013 में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से इम्तियाजी पोजीशन के साथ ग्रेजुएशन किया था। वो खवातीन को बाख्तियार बनाने और मुआशरे में खवातीन के अमली किरदार को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशों में मसरूफ है।
चले जी। गंजा अजीमी यानी फखरे पाकिस्तान, हम सबको आपके ऊपर बहुत प्राउड है कि इतना ज़बरदस्त आपने अवार्ड लिया। और उसके लिए उनका कहना भी ये था कि मैं काफ़ी अरसे से स्टडीज़ के अंदर भी और दीगर जो भी करिकुलम एक्टिविटीज़ थी उसमें बहुत ज़्यादा मुतारिक थी, और ये बात जो उनके सराउंडिंग्स में जो दीगर स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा परेशान और हैरान करती थी कि वो पाकिस्तानी हैं और साथ साथ वो मुस्लिम हैं और किस तरीके से वो इतनी एक्टिव रह सकती हैं और किस तरीके से वो उन इशूज़ को हाईलाइट कर सकती हैं जो दूसरे नहीं करते। तो गंजा अजीमी जो है वाकई में हम कह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तानी कहीं भी हो पूरी दुनिया में वो इसी तरीके से मुल्क का नाम रोशन। बिल्कुल जनाब, इसी हवाले से हमने उनसे बात भी की है, मुलाकात भी की है, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। Announced that the winner of the 2016-17 Side Prize is Kanza Azimi. मेरी एजुकेशन स्कूलिंग बेसिक स्कूलिंग कराची में हुई, जहाँ जेनरेशन स्कूल से मैंने ओ लेवल्स किया, जहाँ पे मेरे ओ लेवल्स के अंदर 12 स्ट्रेट एज आए थे जो कि उस स्कूल के लिए हिस्ट्री थी। थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस रहा और साथ साथ पढ़ाई पे भी। फिर ए लेवल्स करने के बाद KGS से आई वेंट टू लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, जहाँ पे मैंने अंडरग्रेड अपना किया, मेजर किया इकोनॉमिक्स में। लम्स के 4 साल मैं लाहौर में रहती थी, वहाँ के लम्स के डॉर्म्स में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक पाकिस्तान में इस तरह के और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, जहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स तो हों ही लेकिन साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस हो। लम्स में बहुत ज़्यादा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसको अगर आप अवेल करना चाहें तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि एक पाकिस्तानी इदारे में रहते हुए आपको इतना ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। तो लम्स के बाद फिर 2013 में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट करने के बाद देन मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही थी, उसके बाद सोशल इम्पैक्ट लैंडस्केप में पाकिस्तान के काम किया एंड मेनली इन वेमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स, जिसके बाद फिर मैं 2016 में ऑक्सफर्ड गई अपने MBA के लिए। MBA के दौरान सोशल इम्पैक्ट पे और स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मैं ये पढ़ूँ कि प्राइवेट सेक्टर को हम किस तरह से लेवरेज कर सकते हैं सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए या सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज़ को टैकल करने के लिए। ऑक्सफर्ड में बहुत ज़्यादा एक कल्चर था सपोर्ट एंड मेंटोरशिप का, कॉन्स्टेंट फीडबैक फ्रॉम मेंटर्स, और इस तरह की जब आप एक मेंटोरशिप के एनवायरनमेंट में होते हैं तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई कल्चर, एक एक्टिव कल्चर नहीं है। स्कूलिंग ज़रूर है, एजुकेशन बाज़ औक़ात बहुत अच्छी भी है, लेकिन जो कोचिंग होती है जो एक बच्चे को चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाने में, अगर एक स्टूडेंट है जिसको डिसाइड करना है कि वो करियर में कौन सी करियर पाथ चूज़ करे, साइंस चूज़ करे या बिज़नेस चूज़ करे, उस तरह की प्रॉपर फॉर्मल कोचिंग पाकिस्तान में नहीं है। जब मुझे ऑक्सफर्ड में ये सईद अवार्ड मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था, बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि इसका मुझे ये अवार्ड होता है बेस्ड ऑन एकेडमिक एक्सेलेंस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर या कंट्रीब्यूशन टू द MBA प्रोग्राम एंड द वाइडर ऑक्सफर्ड कम्युनिटी। तो मेरा 2 बार डीन्स ऑनर लिस्ट में नाम आया था ऑक्सफर्ड में, टॉप 10% ऑफ़ द क्लास का आता है, और उसके अलावा मैं एक ऑक्सफर्ड में बिज़नेस नेटवर्क्स होते हैं जिसमें जैसे स्कूल्स में और कॉलेजेस में सोसाइटीज़ एंड स्टूडेंट क्लब्स होते हैं, इस तरह से ऑन अ बिगर स्केल एक बिज़नेस नेटवर्क होता है, तो उसके इलेक्शंस के लिए मैं खड़ी हुई थी को चेयर करने के लिए उस नेटवर्क को पिछले साल 2016 में, जिसके लिए मैं इलेक्ट हुई थी। और उस पोजिशन के अंडर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जो ऑक्सफर्ड में पहले कभी नहीं हुई, तो मसलन इंटरनेशनल वेमेंस डे पे, तो ये जो नेटवर्क था ये वेमेंस लीडरशिप का नेटवर्क था, तो इंटरनेशनल वेमेंस डे पे हमारे नेटवर्क ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जिसका मकसद ये था कि क्लास में हमारी इतनी कुछ ब्रिलियंट ख्वातीन हैं उनकी स्टोरीज़ को फोर फ्रंट पर लाया जाए।
पाकिस्तान में देखा जाए तो ये सारे मसाइल होने के बावजूद भी लड़कियां हर जगह हैं। हमारी वेमेंस हॉकी टीम है, हमारी वेमेंस क्रिकेट टीम है, हमारी वेमेंस फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं हमारी औरतें। तो बहुत ज़्यादा औरतें हैं जो आगे जा चुकी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन्हीं औरतों को जो आगे पहुँच चुकी हैं, इंस्पायर करें और चेंज करें सोसाइटी को। ज़बरदस्त कंजा, और क्या खूबसूरत उन्होंने बातें की हैं और जो जो वो काम कर रही हैं। डेफिनेटली अगर आप किसी भी चीज़ में एफर्ट डालते हैं तो आपको रिकग्निशन मिलता ही है, और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, स्टेटस तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है जनाब, अवार्ड्स तक की बातें कर रही हैं, क्या बात है आपकी। बिल्कुल, और सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। और जहाँ तक हम एफर्ट की बात कर रहे हैं तो एफर्ट एक और काम में भी लगती है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अगर किसी का हो तो वो काम बड़ा मज़ेदार भी हो जाता है, और वो है हमारी रैपिड रेसिपी जो कि बड़े मज़े की होती हैं और आप हमेशा उसका बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं। तो देखते हैं कि आज रैपिड रेसिपी में हमारे और आपके लिए क्या बन रहा है। जनाब बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी थी, एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। वैसे भी जैसे मौसम बदलता है ना, सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो कुछ तली हुई फ्राइड चीज़ें खाने का दिल करता है। स्पेशल मेरा ख्याल है मेकअप से नहीं, बिल्कुल फेस के लिए आपकी चीज़ें बिल्कुल होती हैं। आप अपने फेस पे काम करवाते हो, अपनी बॉडी पे काम कराते हो ताकि आप स्क्रीन पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नज़र आओ। तो जो भी कैमरा टेक्निक है, क्योंकि परफेक्शनिस्ट हर चीज़ होती जा रही है, तो जब टेक्नोलॉजी परफेक्शन। अच्छा कौकब, हम इससे बिल्कुल भी इख्तलाफ नहीं कर रहे कि आप ग्रूम ना हो, आप अपने पर्सनालिटी के अंदर जो है वो चेंजेस नहीं लेकर आए, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। हमारा जो आज का पॉइंट है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या इस हद तक कि वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग बन जाए, मतलब आप इतना ज़्यादा वेट लूज़ कर लें या आप इतना ज़्यादा वेट गेन कर लें कि वो आप हार्ट डिजीज़ की तरफ चले जाएं, और इतना लूज़ कर लें कि वो आपके बॉडी के अंदर केमिकल इंबैलेंस हो जाए। आपने एक फिल्म करनी है महज इसलिए आप जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। तो कितना ज़रूरी है इन प्रोड्यूसर्स के लिए भी कि ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन एक हद तक। देखिए अब ये पैशन की बात है, हाँ कि लेकिन अब आजकल जैसे अभी हम फिल्म आमिर खान ने की थी दंगल, तो उसके लिए उन्होंने अपना वेट पुट ऑन किया था। अभी फवाद खान भी ऐसे ही कुछ कर रहे हैं फिल्म के लिए, ठीक। तो ये सब चीजें इसलिए होती हैं। अच्छा कौकब, इस हवाले से हम आपसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकिंग आई है तो हमें यहाँ पर जाना है एक छोटी सी ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। इसके लिए फारी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि मर्दान के इलाके शेरगढ़ में पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग से दो पुलिस सहलकार शहीद हो गए हैं। इसकी तफसीलात देंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद, हमारे साथ मौजूद है। आसिफ शहजाद बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल मर्दान के करीब शेरगढ़ का इलाका है जहाँ पर नामालूम मुसल्ला अफराद ने पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग की है। फायरिंग के नतीजे में दो पुलिस एहलकार जो हैं वो जो ड्यूटी पर मौजूद थे वो शहीद हो गए हैं। फायरिंग करने के बाद जो मुल्जिमान हैं वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इस वक्त जो है पुलिस की भारी नफरी जो है वो कुआ पर मौजूद है, और इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज भी कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पैदल जो मुल्जिमान थे वो आए हैं और नाके पर मौजूद मुल्जिमान पर फायरिंग की है और वहाँ से वो फरार हो गए हैं। तो कुछ पता चल सका आसिफ शहजाद के कितने अफराद थे जो पैदल आए और इन्होंने फायरिंग की? जी बिल्कुल, इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। जो पुलिस का कहना है कि ताहाल जो है तीन अफराद की इत्तला है कि तीन अफराद पैदल आए थे और फायरिंग करके फरार हुए हैं। इलाके का जो है मुहासरा कर लिया गया है, बड़ी तादाद में पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर इलाके पर ठीक गया है।
तो आसिफ शहजाद ये बताइएगा कि ये किस किस्म का इलाका है, क्या यहाँ पर शेरगढ़ पुलिस चेक पोस्ट के अतराफ में सीसीटीवी कैमराज हैं जिससे मदद हासिल की जा सके? जी देखें, ये मर्दान का मुजाफाती इलाका है जो कि शेरगढ़ और मर्दान रोड के करीब है, मुजाफाती इलाका है। सीसीटीवी कैमरे तो जो हैं मुजाफाती इलाके में नहीं होते, उसके आसपास इलाकों में हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि तमाम इलाके को चेक किया जाएगा और जो हरकत और सकनात है लोगों की जिन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं आसपास के इलाकों में, वहाँ से फुटेज ली जाएगी और मजीद इस हवाले से तहकीकात की जाएगी। मुमकिन तौर पर जो शेरगढ़ पुलिस चेक पोस्ट है इसके करीब या इसके आसपास अगर सीसीटीवी कैमरास मौजूद हुए तो उनसे मुमकिन तौर पर मदद हासिल की जा सकती है, लेकिन चूंकि ये इलाका दूर दराज है शहर से, इस वजह से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास नहीं है। अफसोसनाक वाकया मर्दान के इलाके शेरगढ़ में पेश आया है। पुलिस की चेक पोस्ट पर हमला किया गया है, नामालूम अफराद थे जिनकी तादाद इस वक्त बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर 3 है। अभी तक जो शवाहिद मिले हैं उससे ये पता चल सका है। बीबीसी न्यूज। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन अफगानिस्तान में ज्यादातर बच्चों ने कहानी की किताबें देखी ही नहीं है, इसीलिए मैंने तय किया कि साइकिल पर किताबें लेकर उन तक जाऊंगा। मुझे तालिबान ने धमकाया, मेरी जिंदगी खतरे में है। मैं जब आता हूँ तो बच्चे भागे भागे मेरे पास आते हैं, मुझे देख कर रोना आ जाता है। दुनिया कैसी नजर आती है ये आपके जाविया निगाह पर मुनहसर है। बीबीसी उर्दू देखिए। बीबीसी सैरबीन पीर से जुम्मा शाम 7 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब इस वक्त कौकब हमारे साथ मौजूद है और बात करें फिल्म के हवाले से, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, एक्टर एक्ट्रेसेस के हवाले से। अच्छा, चूंकि आप क्रिटिक हैं और मूवीज के हवाले से बहुत ज्यादा जानती हैं, तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस साल की सबसे बड़ी हिट कौन सी रही और सबसे बड़ी फ्लॉप कौन सी? देखिए, सबसे बड़ी फ्लॉप तो मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि साल के शुरू के अंदर हमने बहुत डिसअपॉइंट मूवीज देखी हैं कि हमें नहीं लगता था कि पाकिस्तान को, तब 3 साल हो गए रिवाइवल, 4 साल, और अभी तक ऐसी फिल्म्स बन रही हैं और जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो डायरेक्टर्स इस तरह की फिल्म्स बनाकर दे देंगे, लेकिन फिर भी चलें बहरहाल बर्दाश्त करते रहे। लेकिन इस दफ़ा अभी बकरीद पे जो 2 फिल्म्स आई हैं, नामालूम अफराद 2 और पंजाब नहीं जाऊँगी, तो उससे हमें कुछ थोड़ी सी ढारस बंधी है कि कुछ इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव कर रही है, आगे बढ़ रही है। अच्छा कौकब, आप यहाँ पर मौजूद हैं और हम मीरा जी की बात ना करें और वो भी गाना गाएं टाइटैनिक का, उस पे क्या कहेंगी? बिल्कुल जल्दी से कुछ कह दीजिए। मीरा जी कुछ भी कर सकती, मीरा जी कुछ भी कर सकती है, वो जो भी करेंगी वो हिट ही होगा। मेरा ख्याल है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए किसी भी स्टेज के ऊपर, वो अपने आप को इस इंडस्ट्री में इन रखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करती है ना। बिल्कुल, तो ये मीरा का ही कमाल है और वी शुड अप्रिशिएट हर। और ये कहा जा रहा था कि अगर टाइटैनिक ना डूबा होता तो ये गाना सुनने के बाद उसने डूब जाना था। नहीं खैर, ये तो मीरा जी से आप पूछिएगा कि वो किसको डुबाना चाहती हैं। अच्छा कौकब, एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी हम बात करें, एक तो वो होता है कि आप अपने आप को फिजिकली चेंज कर रहे हो, दूसरा ये होता है कि आप अपने आप को टोटली ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, ये इंडस्ट्री छोड़ के चले जाएंगे, अब हम दूसरी राह पर निकल गए। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं कुछ जो फिल्म इंडस्ट्री में होती हैं, आपको लगता है कि ये भी कुछ टैक्टिक्स होती हैं अपने आप को इंडस्ट्री में खबरों की जीनत बनाने के लिए, कोई इस तरह की? ना बिल्कुल, देखिए जो आपको आप कहते हो कि वो बड़े शाइनिंग स्टार्स हैं या बड़े स्टार्स हैं, तो वो उनको देखिए फिल्म आप कब तक करोगे, ठीक है ना? तो अब एवरीबॉडी इज नॉट अमिताभ बच्चन के, वो अभी भी उनकी लेजेंड है तो चले जा रहे हैं, उनकी फिल्म हिट हो रही है, तो यू हैव टू मतलब कोई स्टंट्स वगैरह करने पड़ते हैं आपको, कुछ ना कुछ जो है वो